हेलो। हाँ जी, सर कॉल किया था 4:30 पे। आपने मैंने सर मैंने किया था, आप बोले थे कि हर आधे घंटे एक घंटे। हाँ, अच्छा, हाँ, एसिडिटी है जी आपको? जी वो सर सेम आप वाला हाल है। मैंने आपको ब्लॉग पढ़ा जो आपका हुआ था। हाँ, अभी क्या आराम नहीं मिला क्या वॉक एंड करने से? नहीं सर, आराम तो मिला, लेकिन ये जो बेली है ना, इसके चारों तरफ मतलब जलन टाइप से हो रही थी। और वो तो हो रही थी, अभी कितना आराम मिला उसमें? नहीं, ऐसे स्टमक में तो मतलब 75% मिल गया आराम, बाकी वही मतलब उसके आसपास बर्निंग सेंसेशन हो रहा था बेली हाँ, के चारों तो ओर। देखो ऐसा होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन ही हाँ वो इन्फ्लेमेशन होती है, और उसका किसी दवा में किसी तरीके से आप कहीं से कोई इलाज नहीं करा सकते। अगर आप किसी और रास्ते में पड़ेंगे, आपके 10-12 हज़ार रुपए तो खर्च हो गए, पर दवाइयों के बिल्कुल। चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भी खराब हो जाएगी, कई साल लग जाएंगे, कई हाँ साल के लग बिल्कुल, जाएंगे, वो खराब ही होती जाएगी, ठीक तो होगा ही खराबी कभी। हो गई है सर। अच्छा और इससे आप 3-4 महीने में काफी हद तक ठीक हो जाओगे, ऑलमोस्ट 90%, 100% पूरे ठीक हो जाओगे, दवाइयों की जरूरत जिंदगी में नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हेल्थ के और भी बहुत से पॉइंट होते हैं, उन सब जगह से आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। अरे सर, हमें आपको क्या बताऊं सर, मैं 1 मंथ पहले एकदम फिट था। मैं स्पोर्ट्स में मतलब जिम में जाता था, बहुत एक्टिव था। और घर पे बैठ के मतलब लॉकडाउन में आके सर थोड़ा नॉनवेज ज्यादा खा नहीं, लिया। ऐसा नहीं होता, जो आप बोल रहे हो वो ठीक नहीं होता। आप अकेले थोड़ी हो जो नॉनवेज खाते हो, और जितने लोग नहीं नॉनवेज खाते हैं वो सारे एक्सरसाइज थोड़ी करते हैं। मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन 6 दिन नॉनवेज खाता हूँ, अच्छा मेरी उम्र अच्छा भी 58 है उसके, अच्छा और अच्छा मेरी एक्सरसाइज 0 है। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता, मुझे अच्छा घर से अच्छा बाहर निकले हुए हफ्ता हफ्ता हो जाता है, और निकलता हूँ अच्छा तो आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए निकल गए। तो बेसिकली अच्छा अगर आप उस तरीके से देखते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, वो हमने एक धारणाएं बना रखी है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और जो जिनको एसिडिटी हो गई, या जिनको ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज हो गई, या टाइप 1 डायबिटीज भी हो गई, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सर दर्द होता है। बेसिकली हाँ ये जी, कैलकुलेशन होती है कि आपके शरीर काम कैसे करता है। अगर अच्छा आप अच्छा बेसिक कैलकुलेशन को समझ लोगे ना कि जी, वो प्रॉब्लम कहाँ करता है, तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने आपको वॉक एंड रेस्ट करने के लिए बोला, अगर आप कंटिन्यूअसली 1 घंटा वॉक कर लेते तो आपकी समस्या और बढ़ जाती, हाँ, ठीक है। अब यस सर, इसमें मेन कंट्रोल कहाँ करना होता है कि आपके शरीर का जो एनर्जी है वो वाइटल ऑर्गेन्स को जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। अब वॉक एंड रेस्ट करने से 5 मिनट में आपने शरीर को एनर्जाइज किया, वार्म अप किया, और 5 मिनट 10 मिनट के लिए लेट गए, तो उससे क्या यस होता है कि सर, जो एनर्जी आपकी मोबिलाईज होती है चलने से, वो आपके वाइटल ऑर्गेन्स लेने लगते हैं, तो वाइटल ऑर्गेन्स को जितनी एनर्जी की कमी पड़ रही होती है वो घंटे भर में ठीक हो जाती है। यस सर, तो वो सर एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत, सॉरी, हाँ बताइए। सर, लेकिन सर मैं जब लेट रहा था तब हमको सर सर थोड़ा ज्यादा लग रहा था इन्फ्लेमेशन जो देखिए लेट वो रहा। सारी बातें ठीक है, आपकी इन्फ्लेमेशन ज्यादा लग रहा था, इन्फ्लेमेशन ज्यादा नहीं भी लगे, कई बार एहसास होता है क्योंकि शरीर गर्म होने लगता है, यस आप पानी नहीं पीते हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी जो एनर्जी बनती है ना वो सेल में बनती है, तो जब अच्छा सेल के अच्छा अंदर पानी कम होता है तो सेल एनर्जी और कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट का बढ़ जाता है, सेल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो हीट अप होने लगता है, तो उससे लगता है कि वो गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपका टाइम लेता है, जो एसिडिटी आपको हुई ना वो मेनली इस वजह से नहीं हुई कि आप घर बैठे थे, इस वजह से भी नहीं हुई कि आप ज्यादा खा रहे थे। बेसिकली होता क्या है कि मान लो आप 5 लीटर पानी पीते हो, तो जब आप सर, एक्सरसाइज करते हो तो 2-3 लीटर तो एक्सरसाइज में निकल जाता है, आपने सर, छोड़ दिया और पानी उतना का उतना पीते रहे, क्योंकि हमें तो ये बताया गया ना कि पानी कम से कम इतना पीना चाहिए, तो यस सर, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, खेलना छोड़ दिया तो पानी बंद कर दो तो 1 दिन के लिए। फिर बॉडी में जी एडजस्टमेंट भी चाहिए होती है, आप रोज एक ही काम करते हो, रोज एक्सरसाइज करते हो, रोज पानी पीते हो, 3 दिन पानी क्या कहते हैं नहीं पिए हो, तो भी समस्या होगी, बॉडी डिमांड करेगी, प्यास भी लगेगी, तो आपको लगेगा प्यास लग रही तो पी लेना चाहिए। यस सर। लेकिन सर जो एसिडिटी का जो सर फीकल मेटल सुबह पास होता है ना सर, क्या चीज? वो सर जो मतलब सुबह जब जाते हैं ना फ्रेश होने सर, हाँ, तो सही से नहीं होता है मतलब सर, वो थोड़ा टाइट टाइट होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें भी आपको करीब करीब 20-25% एनर्जी खर्च होती है। आपका जो एनर्जी के सबसे मेन ऑर्गेन्स हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेते हैं, वो ब्रेन लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम लेता है, ठीक है। अब अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को एनर्जी नहीं मिलती, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का या कुछ और पेट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और उसके अलावा किसी भी ऑर्गेन का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, जिसको भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही। आप एक्सरसाइज करते हो तो
आपका मे बी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता है तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। इससे पहले भी एक बार एक स्टूडेंट था जो जूडो कराटे एक्सपर्ट था, ब्लैक बेल्ट एंड हाई लेवल पर था, अब उसको भी कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट आ रही थी, तो उन्होंने भी उनको भी यही बोला कि दो चार दिन एक्सरसाइज बंद कर दो, वॉक एंड रेस्ट करो सिर्फ। उसके बाद वो एक्सरसाइज बंद करके ठीक भी हो गया, उसके बावजूद वो रेगुलर अपना वॉक एंड रेस्ट भी करते रहते हैं कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है, आपको हाई लेवल के गेम्स खेलने हैं, तो भी वॉक एंड रेस्ट जरूरी चीज है। सर तो मैं क्या लाइफ साइकिल में सर अपनाऊं, जैसे सर क्योंकि मैं अभी सर गया था गेस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लखनऊ में, तो उन्होंने हमको सर 15 डेज के लिए मेडिकेशन दिया था और सर वो मैं ले रहा था, तो मैं सर उसको बंद कर दूं या कंटिन्यू रखूं या कोई दूसरी लाइफ नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा प्रोग्राम है उसको करते रहो। और अगर आपने शायद बताया था कि आप खाने के साथ भी एक गिलास पानी पीते थे, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो शेड्यूल है इसको करते रहो। और इसको इतना स्ट्रिक्टली भी नहीं करना जितना लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे हफ्ते में एक या दो दिन मिस कर गए पार्टी जाना है, किसी भी दिन को आगे पीछे कर सकते हो। मैंने सातवें दिन में लिखा है एक एक गिलास करके 15 गिलास पीना है। आप कई शादी ब्याह में चले गए, आपको कॉफी पीने का मन भी कर गया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, तो रूल को तोड़ दो, उस दिन 10-12-15 गिलास पी लो और 7th डे में फिर कम कर लो। तो उस तरीके से जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर ब्रॉडली आपको कम ज्यादा करते रहना है, बस इतना है। सर ये रिलीफ मतलब एसिडिटी से मतलब कब तक मिल जाएगा सर ये ऐसा करने से? देखो आपको अगर एक महीना हुआ है तो कई लोगों को जल्दी लग जाता है, आप एक्सरसाइज भी करते हो सब कुछ करते हो, तो हो सकता है 2-4 दिन में मिल जाए। मैक्सिमम टाइम लेके चलो तो 2-3 महीने लगा लो, और अगर और ज्यादा मतलब आपका एज ज्यादा होती है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी होती है आपको तो 6 महीने भी लग जाते हैं, पर आपको 60-70% रिलीफ मोस्ट लाइकली आपके केस में 15 दिन से पहले मिल जाएगा, और उसका 10-20% रह जाएगा, तो उसको बस करते रहिए अपने आप ठीक हो जाएगा। और आने वाले एक साल के बाद की बात करो तो आने वाले एक साल के बाद आप जिस चीज से एसिडिटी होती है ना कि ऑयली फूड खा लिया स्पाइसी खा लिया तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, तो उसके बाद जितना मर्जी जो मर्जी खाओ कुछ नहीं होगा, चाहे नॉनवेज खाओ या कुछ भी करो। सर ये दवाई बंद कर दें या चालू रखें? दुनिया में दवा किसी भी क्रोनिक डिसीज में दवा का कोई काम नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि बीमारियां होती क्यों है, फिर आप कभी दवाई नहीं लोगे। आपको कभी देखो अगर आप इस सिस्टम को लूजली 50-60% भी फॉलो करोगे तो जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, कभी स्ट्रोक नहीं होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी डॉक्टर के ऊपर 1 रुपया नहीं खर्चना पड़ेगा आपको। अब तो एक ही महीने में 10-12 हजार रुपए खर्चे। वैसे उसका डिटेल बताएंगे क्या क्या खर्चा किया आपने? एंडोस्कोपी भी कराया था सर। एक्चुअली क्या था मेरा ज्वाइनिंग था ना सर 1 सितंबर से, और मैं मतलब घर में मतलब सर थोड़ा मतलब सबसे बड़ा था, तो परिवार वालों का मम्मी का बहुत ज्यादा प्यार रहता है मेरे ऊपर, तो मतलब हल्का सा इश्यू हुआ तो मम्मी मतलब परेशान हो गई, तो ले गई वहां पे सारी मतलब ये लखनऊ में जो मतलब वो सर डॉक्टर थे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माने जाते हैं, 36 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां ले गई एंडोस्कोपी करवाया सर उन्होंने। कितने पैसे लिए एंडोस्कोपी के? सर टोटल उन्होंने ले लिया था सर 8000 एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड और पता नहीं सीबीसी पता नहीं बहुत सारे जांच थे, एक्सरे था। और देखो तो एंडोस्कोपी होती है दिल्ली में 2000 रुपए की होती है, जो सीबीसी होती है मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 700-800 मैक्सिमम 1000 रुपए लगा लो, वैसे तो इतनी नहीं होती कम ही होती है। एक्सरे 200 रुपए का होता है और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड तो मैंने बता ही दिया 1000-1100 रुपए का होता है, तो इस तरीके से देखा जाए तो 8000 रुपए का बिल तो बहुत ही नाजायज टाइप से है, तो जहां पर जो जिसको मौका लगता है वो सब लूट लेते हैं। उसमें इनकी कंसल्टेंसी फीस भी 900 रुपए इंक्लूड। हाँ तो 8000-7000 रुपए भी नहीं बनते ना, मुश्किल से 3-4000 रुपए बनते हैं टेस्ट के, 900 इंक्लूड करो तो भी 4-5000 रुपए ही बनते हैं। तो सर मैं कल से क्या लाइफ साइकिल सर अपनाऊं? सर अच्छा मैंने आपको भेजा नहीं, मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये नंबर व्हाट्सएप पर है ना सर? ये वाला नहीं है, दूसरा है सर। हाँ तो उससे हाई लिख के भेज दो, हाई एसिडिटी या कुछ भी लिख के भेज दो, मैं भेज देता हूँ आपको, वो फॉलो कर लेना 7 दिन के लिए। वॉक एंड रेस्ट भी है उसमें और पानी पीने का शेड्यूल भी है कब पीना है। फिलहाल अगर आप ज्यादा पानी पीते हो तो हो सके तो कल शाम तक या परसों सुबह तक पानी मत पियो बिल्कुल भी। अच्छा अभी तक सर हम पानी नहीं पिए, लेकिन थोड़ा खाए थे खाना, भूख लगी थी खाली पेट में, मतलब ना खाने में कोई रोक टोक नहीं है, खाने में कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ पानी और लिक्विड में है। लिक्विड पानी नहीं पी रहे थे तो उसके कारण सर हमको वही लगा कि हल्का थोड़ा
यही बर्निंग सेंसेशन, शायद इन्फ्लामेशन उसी कारण होने लगा। नहीं वो हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। आप थोड़ा सा लाइट खाना खाओ, और लाइट का मतलब है कि अगर चार रोटी खाते हो तो 3 खा लो, 3.5 खा लो, थोड़ा सा बस कम खा लो, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी आज कल के लिए, तेरा परसों से वो जो शेड्यूल दूंगा ना, वो परसों से शुरू कर देना। फिलहाल तो बंद ही रखो पानी को जितना हो सकता है। वॉक एंड रेस्ट अच्छे से करो। वॉक एंड रेस्ट करोगे तो कल शाम तक आपके मुंह में स्लाइवा बढ़ जाएगा, जो आपके सेल्स में एक्सेस पानी होता है ना, वो सेल्स रिलीज करना शुरू कर देंगे अब। और आपके आपको मतलब पानी की कोई कमी महसूस नहीं होगी, स्किन भी आपकी थोड़ी सी चमक जाएगी और मुंह में पानी भी बहुत आ जाएगा कल तक। वॉक एंड रेस्ट सर यही मतलब सुबह और शाम दोनों टाइम करें? नहीं, अगर आप घर पर ही हो, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो हर घंटे में एक बारी 5-6 मिनट के लिए वॉक कर लिया करो। 5 मिनट वॉक करने 5-10 मिनट लेट जाया करो बस, और कुछ नहीं। हर एक घंटे में एक बार कर लेना। अभी आपने क्योंकि 5 बजे के करीब फोन किया था, तो करीब आज के दिन का कोटा पूरा करना था ना, इसलिए मैंने बोल दिया था आधे आधे घंटे में कर लो। पानी सर कितना पिए दिन में सर? पानी का वो शेड्यूल भेजूंगा ना, उसमें 7 दिन का प्रोग्राम है। पहले दिन सिर्फ 3 गिलास पानी पीना है, सिर्फ खाने के साथ। दूसरे दिन भी 3 गिलास पानी है, उसमें से खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना है, खाने के साथ नहीं पीना है। अच्छा अच्छा। किसी दिन दोनों बार ये है, तो इस तरीके से अलग अलग दिनों में ना पानी का अलग अलग इंटेक है, तो उसको फॉलो करिए। हफ्ते में आपका 80-90% मतलब आपकी जो समस्या है ना 1 सितंबर की, उससे पहले ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो सर मेडिसिन मैं सोच रहा हूँ कोई जरूरत नहीं मेडिकेशन की? ना ना, मेडिकेशन तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, 10 साल भी होते, तो भी मेडिकेशन तो मैं पहले दिन ही बंद करने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि मेडिसिन जो काम करती है, वो हमारा सिस्टम उसका उल्टा काम करती है। मेडिसिन आपको कमजोर बनाने का काम करती है, और हम आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके फायदे के बारे में तो आप समझ सोच भी नहीं सकते। अभी आप वो यूट्यूब को या ब्लॉग को पढ़ोगे ना, और कोरा के हाँ अभी और देखोगे, तो आपको और समझ में आएगा। मेरे हिसाब से तो इसमें लास्ट स्टेज का कैंसर भी होगा ना, फोर्थ स्टेज का, वो भी 15-20 दिन महीने में ठीक हो जाता है। तो ये सिंपल छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बस इसको कोई समझ नहीं रहा। बहुत बड़ी चीज है सर। अगर एसिडिटी सर ठीक हो रही, वो भी बहुत बड़ी चीज है सर। एसिडिटी आप कभी ना गूगल करके देखना, टाइम होगा तो, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड डायबिटीज, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड ब्लड प्रेशर, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड किडनी फेलियर, लिंक बिटवीन एसिडिटी स्ट्रोक, लिंक बिटवीन एसिडिटी एंड हार्ट अटैक, सब चीजें एसिडिटी से स्टार्ट होती है। एसिडिटी का मतलब है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब है पर यूनिट ऑफ फूड जो कन्वर्जन इनटू एनर्जी होता है, वो कम हो जाता है। तो आप खाना चाहे जितना मर्जी खा लो, 6 रोटी भी खा लो, वो पचे उसमें से मान लो 1 कैलोरी आपको 1 रोटी के बराबर मिल रही है, तो धीरे धीरे करके शरीर वीक होना लगेगा। डॉक्टर बोलेगा आप छोटे मील्स लो, छोटे मील्स लोगे तो इंडाइजेशन और बढ़ेगा। वेट कम करने के लिए बोलेगा वेट कम करोगे तो 4 बीमारियां और लग जाएंगी आपको। आज की डेट में वही मेरा वेट 5 किलो घट गया है 1 मंथ के अंदर। कोई बात नहीं, अभी अभी वेट को मत देखो, पहले आपका रिकवरी होने दो। और अगर आपका रिकवरी हो जाता है, तो आप जो खाना खाओगे वो लगना शुरू होगा, डाइजेस्ट होना शुरू होगा प्रॉपरली। वो डाइजेस्ट होगा तो अपने आप 2-3 महीने में वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अभी क्योंकि आपको कम टाइम हुआ है, हो सकता है जल्दी भी शुरू हो जाए, हो सकता है आपको 5-6 दिन में ही वेट गेन होना शुरू हो जाए, बट नॉर्मल केस में 2 से 3 महीने बाद वेट गेन होना शुरू होता है। सर मैं आपको मतलब सर भेज दूंगा, मैसेज कर दूंगा भर करके जी, मैं आपको मैसेज सर भेज दूंगा अभी। हाँ ठीक है ठीक है। और सर जैसे मुझे लगेगा फायदा, मैं सर फीस आपकी मैं तुरंत पे करूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मैसेज करो।